है क्रिस्पी वड़े बनाने के लिए। चलिए क्या हमारे साबुदाना वड़ा, इसके लिए आधा लीटर पानी में हमने भिगो दिया था, और जब वो आधा घड़िया और रात भर पूरी रात भर भीग जाने के बाद बहुत अच्छे से एक एक दाना ये जो पोहे वगैरह में डालते हैं बेसिक स्वाद है वो बना रहे और क्रिस्पी और देखने में नमक नहीं है जो बेसिक होता है के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च। यहाँ पे मैं नींबू ना डाल के मैं ये आमचूर मसाला बिल्कुल तैयार है तो अच्छे से आपके ये हथेली अगर ये ऊपर आ रहा है मतलब तेल परफेक्ट तेल है। तो अब ये अंदर तक सिकने के लिए हमें मीडियम आँच चाहिए है। आप चेक कर सकते हैं कि ये जितने अच्छे से तैरेंगे उतना ही सिकने के बाद कैसे अपने आप ये खुल भी गए। थोड़ा सा पलट पलट कर हमें चलाते रहना है। एकदम साबुदाने के वड़े रेडी हैं। ये इमली की चटनी ये देखिए ये अंदर कैसे आपने सुना ना क्रिस्पी, ये शेयर करना ना भूले और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दे का प्रोत्साहन मिलता है तो प्लीज़ हमारे साथ